एक बार फिर खाकी दागदार हुई है। कुशीनगर के जटहां थाने पर तैनात एक सिपाही पर महिला से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है, लेकिन महिला के शोर मचाने पर उसके पति और पड़ोसियों ने पुलिसकर्मी को खंभे से बांधकर जमकर पीटा। कई घंटे तक सिपाही की खातिरदारी होती रही। इसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एक अन्य पुलिसकर्मी ने चाकू की नोक पर अपने साथी को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं के उग्र तेवर के चलते वो कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद थाने की दो गाड़ियों में भरकर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल पर जमकर उपद्रव किया। पुलिसकर्मियों ने आरोपी पुलिसकर्मी को छुड़ाने के साथ महिला के पति को जबरन गाड़ी में बैठाकर थाने लेकर आ गए। पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अब तक आपने परिवार या पति से अनबन के बाद बहू के ससुराल छोड़ने की बात सुनी होगी, लेकिन जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह महिला के घर छोड़ने की वजह ये नहीं बल्कि बंदर है। सुनकर आप हैरान जरूर हो गए होंगे। मुरादाबाद के पाकपड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला अपने बच्चों के साथ मायके चली गई है। आए दिन होते बंदरों के आतंक से परेशान थी। महिला का कहना है कि जब तक बंदरों का आतंक खत्म नहीं होता वो ससुराल वापस नहीं जाएगी, लिहाजा महिला के पति ने मुरादाबाद के जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखा है। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या के आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। इंसाफ की आस में पूरा परिवार धरने पर बैठा है, लेकिन गुनहगारों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब भी परिवार को धमकाने से बाज नहीं आ रहे। धरने पर बैठे परिवार को बीती रात आरोपी मंत्री के गुर्गे समझौते के लिए धमकाने आए और समझौता न करने पर परिवार को जेल भेजने की धमकी दी। इन लोगों ने परिवार को समझौतों के लिए 20 लाख रुपए और नौकरी का लालच दिया। इतना ही नहीं, परिवार के साथ मारपीट की भी कोशिश की गई। मामले ने तूल पकड़ा तो आरोपी भाग खड़े हुए। घटना की सूचना पर पहुंचे डीआईजी बरेली आरकेएस राठौर ने आरोपियों के खिलाफ जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम अखिलेश यादव ने आईआईटी का एग्जाम एंट्रेंस पास करने वाले प्रतापगढ़ और मैनपुरी के छात्रों को सम्मानित किया। सीएम ने छात्रों के शैक्षणिक खर्चे के साथ उनके गांव का भी लोहिया गांव के चयन कराकर गांव का भी विकास कराए जाने का ऐलान किया। इस मौके पर सीएम अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल ने तीनों छात्रों को 1-1 लाख रुपए के चेक के साथ लैपटॉप भी प्रदान किए। परिवार के छोटे झगड़े किस तरह से हंसते खेलते परिवार को मुसीबत में डाल देते हैं, इसकी वानगी कन्नौज जिले के त्रिवा कोतवाली इलाके में देखने को मिली, जहां पति से मामूली विवाद में एक कलयुगी पत्नी ने खुद को तो आग के हवाले किया ही, साथ ही दो मासूम बच्चियां भी आग की चपेट में आ गईं। फिलहाल महिला और उसकी 2 वर्षीय बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि महिला की दूसरी बेटी खतरे से बाहर बताई जा रही है। समर स्पेशल ट्रेन को लूटने वाला गैंगमैन का बेटा और उसके साथी को जिला रामपुर की रेलवे पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों के पास से अवैध असलाहा और लूटा गया सामान बरामद हुआ है। पुलिस की सख्ती के बाद अभियुक्तों ने कई घटनाओं को कबूला। दोनों छात्र अपराधियों ने 10 जून को रामपुर के थाना मिलक क्षेत्र में रेलवे स्टेशन में आगे समर स्पेशल ट्रेन में छात्र रोहित को लूटा था। छात्र से 2 मोबाइल फोन, 3,000 रुपए के साथ अन्य सामान लूट लिया था। राजधानी में अपराधी किस तरह से बेखौफ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब बदमाश जालसाजी के लिए सपा सुप्रीमो के छोटे बेटे का नाम का सहारा लेने से नहीं चूक रहे। राजधानी पुलिस ने 2 छात्रों को धर दबोचा है। इन लोगों ने सपा सुप्रीमो के छोटे बेटे प्रतीक यादव का नाम और नंबर ट्रैक कॉलर में सेव कर रखा था। ऐसे में जब ये किसी को फोन करते तो ट्रैक कॉलर के जरिए प्रतीक यादव का नाम सामने आता था। तकनीक का गलत इस्तेमाल करके ये लोग इसका फायदा उठाकर ट्रांसफर पोस्टिंग का गोरखधंधा चलाते थे। इस खेल का खुलासा तब हुआ जब इन्होंने खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को खनन का पट्टा आवंटित करने के लिए फोन किया। शक होने के बाद इसकी सूचना साइबर सेल को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने रामशंकर शाके और फिरक हुसैन नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली में एक नर्सिंग होम में नवजात शिशु की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। एक महिला डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल पहुंची थी, जहां नर्सेज संघ के अध्यक्ष शशिवाला ने महिला के पति से कहा कि जिला अस्पताल में सुविधा नहीं है, वो महिला का इलाज अपने नर्सिंग होम में कर देगी, जिसके बाद परिजन महिला को डिलीवरी के लिए नर्सिंग होम ले गए, लेकिन नर्सिंग होम की लापरवाही से महिला के बच्चे की मौत हो गई। महिला के पति ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आरोपी नर्सिंग होम संचालिका ने पहले तो नर्सिंग होम चलाने से इनकार कर दिया। सीएमओ का कहना है कि मामले में जांच होगी। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की मौत के मामले में जांच के लिए परिवार लगातार धरना कर रहा है। धरने के 7वें दिन मुख्य विवेचक डीआईजी बरेली आरकेएस राठौर मामले की जानकारी लेने घटनास्थल पहुंचे।
और घटना को दुखद बताते हुए परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने एसपी शाहजापुर को परिवार की सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए कई टीम बनाई गई है। डीआईजी ने कहा ये पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है, ऐसे में जल्दी इसका खुलासा कर परिवार को न्याय दिया जाएगा। बस्ती के तीनों जिलों में राइस मिल पर बकाया भुगतान ना करने के बाद प्रशासन ने राइस मिलों पर सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने दर्जनों राइस मिलों के खिलाफ वसूली की आरसी जारी कर दी है। बड़े बकायेदारों की मिलों को नीलाम करने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद से मिल मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। इन राइस मिलों पर सरकार का 47,62,00,000 रुपया बकाया है। ये बकाया भुगतान साल 2011 और 2013 का है। राइस मिलों को सरकारी धान कूटने के लिए दिया गया था, लेकिन चावल की गुणवत्ता ठीक ना होने की वजह से एफसीआई ने चावल लेने से इनकार कर दिया। सड़कों पर रोड रेस की घटनाएं आज दिन देखने को मिल रही हैं। सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठकर आराम कर रहे कई लोगों को मिर्जापुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये लोग रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और पांच लोग बैजनाथ धाम से दर्शन कर विंध्याचल दर्शन करने आए थे। हादसा विंध्याचल थाना अंतर्गत काली खो के पास हुआ। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर कश्यप मछुआ समुदाय आरक्षण संघर्ष मोर्चा का धरना सातवें दिन भी जारी रहा। उत्तर प्रदेश में कश्यप मछुआ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं। इनकी मांगों को देखते हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी धरना स्थल पर पहुंचे और कश्यप समाज के लोगों को न्याय दिलाने भरोसा दिलाया। मछुआ वर्ग ने धरना स्थल पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखी। इलाहाबाद के बॉय हाई स्कूल के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पीजीटी इतिहास की परीक्षा थी और छात्रों का आरोप था कि पेपर लीक हुआ है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों का आरोप है कि परीक्षा के दौरान बीएचएस के रूम नंबर 18 में महिला अभ्यर्थी के पास से पेपर की सॉल्व कॉपी बरामद हुई। महिला परीक्षार्थी के पास से सॉल्व कॉपी मिलने के बाद कक्ष निरीक्षक ने परीक्षार्थियों से कार्रवाई करने को कहा, लेकिन परीक्षा पूरी होने के बाद इस सेंटर पर मौजूद कक्ष निरीक्षक समेत सभी शिक्षकों ने घटना से इनकार कर दिया, जिसके बाद परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों ने पेपर लीक करवाने का आरोप लगाते हुए केंद्र पर हंगामा करते हुए नारेबाजी शुरू की। परीक्षार्थियों की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। एसडीएम ने भी छात्रों के आरोपों को निराधार बताते हुए पेपर लीक की घटना से भी इनकार कर दिया है। बता दें कि इससे पहले 15 फरवरी को भी पीजीटी के सभी विषयों के साथ ही इतिहास की परीक्षा थी, लेकिन उस दिन गड़बड़ी की वजह से इतिहास की जगह इकोनॉमिक्स का पेपर इन अभ्यर्थियों को दे दिया गया था, जिसके बाद आज ही परीक्षा आयोजित की गई थी। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र में लाल कुर्ती के पास एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कूद गई। घटना में महिला और उसकी एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक 6 माह की बच्ची और एक 2 साल का बच्चा घटना में जीवित बचा हुआ है। जीवित बच्ची का झांसी के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, जबकि बच्चे को शिशु गृह में रखा गया है। घटना में जान गंवाने वाली महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। आशंका है कि गरीबी या पारिवारिक कलह के चलते महिला ने खुदकुशी की है। आगरा के बाह कस्बे की सीएचसी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही के सामने आई है। अस्पताल में बेरोकटोक घूम रहे आदमखोर कुत्तों ने अस्पताल की व्यवस्था और डॉक्टरों की सतर्कता की पोल खोल दी है। दरअसल एक महिला प्रसव के लिए सीएचसी में भर्ती हुई थी, जहां उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बाद में महिला और उसके बच्चे थे, तभी आदमखोर कुत्ते नवजात को खींच कर ले गए और उसे बुरी तरह से नोच डाला, जिससे बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। संत कबीर नगर के खलीलाबाद क्षेत्र के स्कूल में मैदान में एक शख्स की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान कालीचरण खन्ना के तौर पर हुई है। मृतक बस्ती का रहने वाला है। शव के पास एक तबंचा भी बरामद हुआ है और 2 सुसाइड नोट भी बरामद हुए हैं। लखनऊ के मड़ियाव इलाके के रहने वाले मैकेनिकल इंजीनियर शैलेश तिवारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शैलेश का शव उसके घर से कुछ ही दूरी पर उनकी कार से मिला। शैलेश शनिवार को घर से निकला था और फिर लौट कर नहीं आया। पुलिस ने गश्त के दौरान लावारिस कार को जब देखा तो उसमें शैलेश का शव था। परिजनों का कहना है कि शैलेश एक निजी कंपनी में काम करता था। शैलेश पर उसकी सहकर्मी ने छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसके बाद से शैलेश परेशान चल रहा था। शैलेश के दोनों मोबाइल भी गायब हैं। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
अंबेडकर नगर के भीतर जलालपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई पेट्रोल पंप मालिक की हत्या से लोगों में आक्रोश है। पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के बाद जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिक हड़ताल पर चले गए हैं। बदमाशों ने बाजार में सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर दी। कन्नौज जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उधर मौके पर पहुंचे शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल ने आक्रोशित हो रहे ग्रामीणों को पुलिस की मदद से समझाया। कानपुर में ताबड़तोड़ चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का काकादेव पुलिस ने खुलासा कर दिया है। काकादेव थानाध्यक्ष उदय प्रताप के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान जब इनको रोका तो इन अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद भी थानाध्यक्ष ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर इनको धर दबोचा।